नमस्कार दोस्त। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने चैरिटेबल एवं रिलीजियस ट्रस्ट के टैक्सेशन, पर्टिकुलरली उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के संदर्भ में व्यापक बदलाव किए हैं, और इन्हीं व्यापक बदलावों की वजह से चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो अब तक 11-12 में एग्जम्पशन ले रहे थे, बहुत सी बार उन्होंने पाया कि वो 11-12 सेक्शन की एग्जम्पशन की स्कोप से ही बाहर हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में रिसेंटली सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूट ऐसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को दी जो प्रॉपरली कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में नहीं कर पा रहे थे। आज की इस वीडियो से दोस्तों, मैं सी अनु भाटिया आपके समक्ष ये इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन रिसेंटली सीबीडीटी ने क्या दी है उस पर एक संक्षिप्त चर्चा के रूप में लेकर के आ रहा हूं। जिन एग्जम्पशंस की बात मैं कर रहा हूं, जिन छूट की बात मैं यहां पर कर रहा हूं दोस्तों, वो आई है सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 6/2023 डेटेड 24 मई 2023 के थ्रू। और एक नमूने के रूप में इस सर्कुलर का आपको टाइटल दिखा रहा हूं कि सर्कुलर नंबर 6/2023 जो 24 मई 2023 का डेटेड है, इसका टाइटल है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट रिगार्डिंग। और तीन एंटिटीज यहां पर दोस्तों कवर की जा रही हैं। एक है जो सेक्शन 1023C में फॉल करती हैं, दूसरी है जो कि इनकम टैक्स के धारा 12AA में रजिस्टर्ड ऑलरेडी थे, और तीसरे वो हैं जिन्हें 12AB के अंतर्गत प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है और फिर उन्हें फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो मैं इन तीन संस्थाओं को लेते हुए आगे के डिस्कशन में आपके साथ बढ़ता हूं। दोस्तों, आपके साथ पहले रिलैक्सेशन की बात करता हूं। पहला रिलैक्सेशन है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म 10A। आप कहेंगे अनुप जी, ये फॉर्म 10A क्या होता है, जरा पहले ये एक्सप्लेन करिए। दोस्तों, प्रक्रिया ये थी कि यदि आप ऑलरेडी इनकम टैक्स की धारा 1023C में अप्रूव्ड संस्था हैं, या आप सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड संस्था हैं, या आप ATG में एक अप्रूव्ड संस्था हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिनेंस एक्ट 2020 ने यह व्यवस्था दी कि पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अफ्रेश अंडर सेक्शन 1023C और एज पर सेक्शन 12AB। अब हुआ क्या कि ऐसी संस्थाएं जिन्हें फॉर्म 10A फाइल करना था, बहुत सी संस्थाएं जेन्युइन होने के बावजूद अगर उनके ध्यान में यह प्रक्रिया नहीं आई, वो री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। और ये री रजिस्ट्रेशन की डेट जो ओरिजिनली 31 मार्च 2022 थी, वो भी बढ़ा बढ़ा करके टाइम लाए थे, जिसे बाद में 25 नवंबर 2022 किया गया, उस डेट को अब बढ़ा करके अल्टीमेटली 30 सितंबर 2023 कर दिया गया। यानी अगर आप ऐसी संस्था हैं जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए रीअप्लाई नहीं किया, और आप पहले से 12AA में या सेक्शन 1023C में या सेक्शन 35 में या ATG में रजिस्टर्ड अथवा अप्रूव थे, तो अब आपको एक नई जीवनदान दिया गया है कि आप 30 सितंबर 2023 तक अपने इस फॉर्म 10A को फिलअप कर लीजिए। अगर दोस्तों किसी ने पहले इस कार्यक्रम को नहीं किया या अब भी 30 सितंबर 2023 तक नहीं करते हैं, तो उन खतरा मंडराएगा 115TD का। ये बड़ा खतरनाक सेक्शन है दोस्तों। ये सेक्शन क्या बोलता है कि यदि आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए आना है और आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो संपत्तियां हैं उनकी वैल्यू पर 30% रेट, रादर मैं 30 कम बोल रहा हूं, MMR रेट पर टैक्स लग जाएगा। तो अगर ऐसी कोई ट्रस्ट है, ऐसे कोई फंड्स है जो पहले से रजिस्टर्ड थे पर वो नई प्रक्रिया में फॉर्म 10A नहीं भर पाए, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका अब आ गया है कि वो 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म 10A फाइल कर लो। ये एक बेनिफिट इस सीबीडीटी सर्कुलर से दोस्तों सीधे सीधे मिलता दिख रहा है। अब बात कर रहा हूं दूसरे बेनिफिट की कि टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10AB इज ऑल्सो बींग एक्सटेंडेड टू 30th ऑफ सेप्टेम्बर 2023। अब क्वेश्चन है कि फॉर्म 10AB क्या होता है और 10A से ये किस प्रकार डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, फॉर्म 10AB तब लागू होता है जब आपने नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अप्लाई किया और आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 12AB रेड विथ सेक्शन 12AA वो ये व्यवस्था करता है कि चैरिटेबल या रिलीजियस संस्था जिसको हमने एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया है, उसको अपनी एक्टिविटी कमेंसमेंट के 6 महीने के अंदर
या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से 6 महीने पहले, विच एवर इज अर्लियर, उसके पहले पहले फॉर्म 10AB में एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जिसकी अवधि 5 साल होगी उसके लिए अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सी संस्थाएं इस प्रोविजनल टू फाइनल रजिस्ट्रेशन की पीरियड को भी फॉलो नहीं करता, तो उन पर भी एक खतरे की तलवार लटक गई साहब, क्योंकि आपने प्रोविजनल टू परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया तो अब आप भी 115TD में चले जाओ। उनके संदर्भ में क्या रिलैक्सेशन बोला है, द ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10AB फॉर ट्रस्ट हैविंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वॉज ईदर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटीज और 6 मंथ प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पीरियड एंड दिस टाइम लिमिट विच वॉज ऑरिजिनली फिक्स टू 31 मार्च 2022 लेटर एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2022 इज नाउ बींग एक्सटेंडेड टू 30 सितंबर 2023। अब आप समझ गए क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कि उनको भी बोला कि ओके, यदि कोई संस्था, और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं दोस्तों मैं जानता हूं जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हमें एक्टिविटी कमेंसमेंट से 6 महीने के अंदर अंदर नए ट्रस्ट के केसेस में उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उनको अब ड्यू डेट बढ़ा करके 30 सितंबर 2023 मिल गई, तो वो भी अब एक सेफ जोन में आ गए। और अगर वो ऐसा नहीं करते या उन्होंने नहीं किया पास्ट में, तो उन पर 115TD की वही एक्रिटेड इनकम के MMR रेट पर टैक्स होने की तलवार थी, वहां बचत हो जाएगी। और एक बात, इवन इन केस ऑफ ट्रस्ट वेयर एन एप्लीकेशन वाज मेड आफ्टर 30th of September 2022 विच वाज रिजेक्टेड बाय द CIT, दे मे ऑल्सो अप्लाई अफ्रेश अंडर फॉर्म 10AB। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था की गई सर इस सर्कुलर से, कैसे बहुत से ट्रस्ट हैं जिन्हें 30 सितंबर 2022 के बाद ध्यान आया और उन्होंने 10AB भरा लेकिन CIT ने रिजेक्ट कर दिया इस आधार पर कि भाई आपको तो 6 महीने की टाइम लिमिट निकल गई और आपने रजिस्ट्रेशन को प्रोविजनल से परमानेंट में कन्वर्ट कराने की एप्लीकेशन नहीं दी 10AB की उस समय में, तो मैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करता हूं। तो उनको भी CBDT ने रिलैक्सेशन दे दिया कि वो भी अब 30 सितंबर 2023 तक चाहे उनका पहले से 10AB रिजेक्ट हो गया दोबारा फॉर्म 10AB भर सकते हैं और इससे उनको छूट लेने में मदद मिलेगी। आइए दोस्तों अब तीसरी रिलैक्सेशन, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म 10BD फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज फर्दर बीइंग एक्सटेंडेड टू 30 जून 2023। बेसिकली बात यह है दोस्तों कि अगर आप एक चैरिटेबल संस्था हैं और आप या 1023C की अप्रूव संस्था है क्लॉज 6 या 6A की और आपने ATG का भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्म 10BD फाइल करना था जिसमें डोनर्स की डिटेल देनी थी और 10BD देने के बाद में 31 मई तक आपको वित्त वर्ष 22-23 के लिए फॉर्म 10BE भी इशू करना था, तो 10BD और 10BE सर्टिफिकेट्स देना डोनर्स को। इनकी ड्यू डेट थी सर 31 मई 2023, इस ड्यू डेट को भी दोस्तों इस सर्कुलर से बढ़ा करके 30 जून 2023 कर दिया। ये वन टाइम बेनिफिट दिया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि ये बेनिफिट अगले वित्त वर्ष में भी लागू हो, केवल वित्त वर्ष 22-23 के लिए बेनिफिट इस सर्कुलर के थ्रू दिया जा रहा है। चौथे रिलैक्सेशन की बात करता हूं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू बी इफेक्टिव फ्रॉम सेम फाइनेंशियल ईयर। इसका बैकग्राउंड समझिए दोस्तों, बैकग्राउंड ये है कि अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे यानी आप फॉर्म 10A फाइल करेंगे, तो लॉ ये बोल रहा था कुछ जगहों पर टेक्निकली कि जिस वित्त वर्ष से आपको एग्जम्पशन लेनी है तो उस वित्त वर्ष से शुरू होने से 1 महीने पहले आपको फॉर्म 10A फाइल करना है। अब टेक्निकली बात समझिए सर, कि मान लीजिए मैंने किसी ट्रस्ट की स्थापना ही 1 जून 2023 को करी, तो मैं ऐसी परिस्थिति में इस वित्त वर्ष के शुरू होने से 1 महीने पहले कैसे एप्लीकेशन करूंगा, क्योंकि अभी तो मेरी संस्था ही नहीं बनी। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। इसको अब रिजॉल्व करने के लिए CBDT सर्कुलर क्या व्यवस्था दे रहा है, द इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर 1023C और 12AB और 80G आर प्रेजेंटली रिक्वायर्ड टू अप्लाई 1 month प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच द अप्रूवल इज सॉट। ये बात मैंने एक्सप्लेन करी। However, now it is clarified that the provisional approval or registration shall be effective from the assessment year relevant to the previous year in which the application is made. तो मान लीजिए किसी ने 1 जून 2023 को कोई ट्रस्ट की स्थापना करी, ठीक है, और उन्होंने फाइनली 19 जनवरी 2024 को एक एप्लीकेशन लगा दी बिफोर CIT इन फॉर्म 10A फॉर गेटिंग द अप्रूवल
अंडर सेक्शन और रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब ये रजिस्ट्रेशन उनको जब भी मिलेगा, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड होती है 6 मंथ की, तो अगर मैं मान लूं उनको मई 2024 में भी रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन उस वित्त वर्ष से प्रभावी हो जाएगा जिस वित्त वर्ष में उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी थी। तो पहले के प्रावधान अनुसार तो हो सकता है उनको 1 महीने पहले यानी 1 मार्च 2023 में अप्लाई करना होता, लेकिन अब उन्होंने अगर 19 जनवरी 2024 को भी उस ट्रस्ट ने अप्लाई किया तो उसको पूरे वित्त वर्ष 23-24 के लिए यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एग्जम्पशन मिलेगी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 और फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 1023C। ये भी एक वेलकम प्रावधान है दोस्तों, और ये आगे के ईयर्स में भी इसी प्रकार से लागू होता रहेगा। अब बात करता हूं दोस्तों पांचवें रिलैक्सेशन की। इसमें थोड़ा क्लैरिटी का अभाव है, पर फिर भी जैसा है आपके समक्ष रखता हूं कि फिनेंस एक्ट 2023 ने दो फॉर्म होते हैं दोस्तों ट्रस्टों के लिए, 9A एंड 10। अब ये 9A और 10 फॉर्म क्या है पहले इसको समझ लीजिए कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट है, उसको दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपनी इनकम को अप्लाई कर देना है 85%। मान लीजिए वो नहीं किया तो उन्हें दो ऑप्शन मिलते हैं, डीम्ड एप्लीकेशन और एक्युमुलेशन, जिसके थ्रू वो इनकम को खर्च किए बिना भी एग्जम्पशन बेनिफिट ले लेते हैं। अगर आप डीम्ड एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको फॉर्म 9 भरना है, और अगर आप एक्युमुलेशन में जाते हैं तो आपको फॉर्म 10 भरना है। ठीक है, अब फॉर्म 9A और फॉर्म 10 के लिए समय अवधि फिनेंस एक्ट 2023 ने यह बोल दी थी कि ITR भरने से 2 महीने पहले, यानी अगर किसी ट्रस्ट के लिए जिसके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है और उसकी 31 अक्टूबर 2023 ITR फाइलिंग की ड्यू डेट है फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो अब उनको 31 अगस्त 2023 तक अपना फॉर्म 9A या फॉर्म 10 भर देना था, और ऑडिट कराने की डेट उनके लिए थी 30 सितंबर 2023। तो यहां पर भी एक सीबीडीटी ने रिलैक्सेशन दिया। क्या बोला? द फाइनेंस एक्ट 2023 हैज प्रोवाइडेड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 9A एंड 10 एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ITR अंडर सेक्शन 139। अब क्या बोल रहे हैं? हाउएवर इट इज क्लेरिफाइड, क्या क्लेरिफिकेशन दिया है, दैट द बेनिफिट ऑफ डीम्ड एप्लीकेशन एंड एक्युमुलेशन शेल नॉट बी डिनाइड एज लॉन्ग एज सच स्टेटमेंट और फॉर्म्स आर फर्निश्ड ऑन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 139(1)। यानी वैसे तो 31 अगस्त 2023 तक की सीमा आज भी लागू है इवन आफ्टर दिस सर्कुलर, लेकिन ये सर्कुलर ने बोला कोई बात नहीं, आपने तब तक नहीं किया ना, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी कर दिया, फॉर्म 9A फाइल या फॉर्म 10 फाइल, तो भी हम आपको 9A यानी डीम्ड एप्लीकेशन, फॉर्म 10 यानी एक्युमुलेशन का बेनिफिट ITR में दे देंगे। अब यहां कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी है दोस्तों कि फॉर्म 10B ये जो ऑडिटर की ओर से फाइल होना है, 10B ऑडिटर की ओर से फाइल होना है, वो सितंबर की डेट का है, और आप डीम्ड एप्लीकेशन एक्युमुलेशन इसके बाद भी करेंगे तो वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो मैं ये मानता हूं प्रैक्टिकली जब तक आपकी ट्रस्ट के रूप में ऑडिट होगी तब तक आपको डीम्ड एप्लीकेशन एक्युमुलेशन का ऑप्शन मिलना ही चाहिए था, वो पुनः मिल गया, बल्कि उसके बाद भी मिलेगा ऐसा ये सीबीडीटी सर्कुलर कहता है अगर आपने 139(1) की डेट तक ये फॉर्म भर दिए हैं तो। तो आई होप दोस्तों ये बेनिफिट्स जो क्लैरिटी नहीं थी या जो रिलैक्सेशन नहीं था वो सीबीडीटी ने दे करके एक पुण्य का कार्य किया है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट चाहे रिलीजियस हो या चैरिटेबल हो वो पुण्य के कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चैरिटेबल ट्रस्टों के टैक्सेशन में बहुत सख्ती दिखाई है। ये सख्ती दोस्तों कहीं ना कहीं चैरिटी को या रिलीजन के प्रमोशन को रोकती है। तो मेरा तो मानना है कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, और शायद यही कारण है कि भारत सरकार का दिल यहां पर पसीजा और कुछ रिलैक्सेशन यहां पर भारत सरकार की ओर से देने की व्यवस्था की जा रही है। एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट गवर्नमेंट शुड हैव द इयर्स टू लिसन टू द ग्रीवियंसेस ऑफ पब्लिक एट लार्ज, एंड दिस काइंड ऑफ सर्कुलर इज रिसेंटली व्हिच इज डन काइंड ऑफ स्टांस व्हिच इज इन द सेम डायरेक्शन। न केवल मैं सर, मेरे बहुत सारे सीए भाई हैं प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी से जिन्होंने ऐसी आवाज टाइम टू टाइम उठाई है, और उनके इस प्रकार के आवाज उठाने का परिणाम है कि
वी कैन सी दिस काइंड ऑफ सर्कुलर इज रियली इन प्लेस। और इसलिए मैं बोलता हूं सर कि लोकतंत्र में बड़ी ताकत है कि हमें आवाज उठाते रहना चाहिए, और वो आवाज उठाने के इस प्रकार के परिणाम दिखते हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। तो फाइनली मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की प्रगति में अपना योगदान सब प्रकार से आप करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।